जीत ले हम सारी दुनिया। पीछे हमें आज बोने दो, रोज़ उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश हर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आइए हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल के साथ करते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर यह खेल खेल सकते हैं, पर अभी हमारे पास समय की कमी है, इसीलिए केवल 15 छात्र ये खेल खेलेंगे। बाकी छात्रों को ध्यान से देखना है, ठीक है? चलिए, हम इस खेल का नाम रखते हैं कहानी बनाओ। आप सबको मिलकर एक कहानी बनानी है। क्या हम एक बड़ा सा गोला बनाकर खड़े हो जाएं? अब मैं किसी छात्र की तरफ एक गेंद फेंकूंगा। जिस छात्र के हाथ में वह गेंद होगी, उस छात्र को कहानी शुरू करने के लिए एक वाक्य बोलना है। उसके बाद वह गेंद किसी दूसरे छात्र की तरफ फेंकनी है। फिर वह छात्र कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अगला वाक्य बोलेगा। वाक्य बोलने के बाद वह छात्र भी किसी और छात्र की तरफ गेंद फेंक देगा। गेंद को किसी भी दिशा में फेंका जा सकता है। आपके बगल में खड़े छात्र को गेंद देना जरूरी नहीं है, पर हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। सभी छात्र को एक मौका मिलना चाहिए और कहानी अर्थपूर्ण व रोचक होनी चाहिए। क्या आप नियम समझ गए? क्या हम शुरू करें? यह बहुत ही मजेदार था ना? हमने अभी क्या देखा? बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक कहानी बनाई। जैसे जैसे हर छात्र एक वाक्य जोड़ता गया, वैसे वैसे कहानी आगे बढ़ती गई। कहानी में बहुत सारे बदलाव आए, पर कहानी अजीब नहीं लगी। कहानी अर्थपूर्ण तरीके से आगे बढ़ती रही और फिर समाप्त हो गई। आप सबने कहानी का कोई अंत सोचा होगा, पर जब कहानी खत्म हुई तो उसका अंत कुछ और ही निकला, पर उस अंत को आप सब ने स्वीकार किया, है ना? आप सब एक ही लक्ष्य की तरफ काम कर रहे थे। कहानी को पूरा करने में सबने अपना योगदान दिया था। अब हम अगला कार्यकलाप करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, हमारे पास समय और जगह की कमी है, इसीलिए अभी केवल एक समूह यह कार्यकलाप करेगा और बाकी के छात्र ध्यान से देखेंगे। जिन छात्रों को पहले मौका नहीं मिला था, अब उन्हें मौका दिया जाएगा। क्या 5 छात्र यहां आकर एक समूह बना सकते हैं? समूह में बैठे छात्र कार्यकलाप करेंगे और बाकी के छात्र देखेंगे कि समूह में लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, ठीक है? कल्पना कीजिए कि आप एक बाल मंडली शुरू करना चाहते हैं। समूह के सारे सदस्य को चर्चा करनी है कि बाल मंडली किस तरह का काम करेगी। तो क्या आप तैयार हैं सब? धन्यवाद। यह देखकर अच्छा लगा कि आप सबके पास बाल मंडली के बारे में बहुत सारे विचार थे। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है, आपने दोनों समूहों की गतिविधियों में क्या अंतर देखा? कहानी बनाने वाले समूह और अभी की गई सामूहिक चर्चा में क्या फर्क था? बहुत अच्छा प्रयास था,
धन्यवाद। दोनों ही कार्य सामूहिक थे और देखने में एक जैसे थे, पर गौर से देखा जाए तो दोनों में कुछ अंतर थे। आइए हम उन दोनों गतिविधियों के बीच की समानता और फर्क के बारे में बात करते हैं। पहले समानता है, कहानी की तरह बाल मंडली का निर्णय भी सामूहिक प्रयास था। आगे क्या होने वाला है यह कोई नहीं बता सकता, और वार्तालाप में नए नए मोड़ आ रहे थे। सब लोग अपने विचार एक दूसरे को बता रहे थे। अब अंतर देखते हैं। कहानी के खेल में सबको अपनी बात बताने का एक ही मौका मिला, पर चर्चा में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। चर्चा में कभी कभी किसी सदस्य ने बिल्कुल भी बात नहीं की थी। जिन बातों पर चर्चा करनी थी उसके अलावा भी समूह में बहुत सी बातें हो रही थी, जैसे कि लोगों के बीच मतभेद, एक दूसरे के विचारों से सहमत या असहमत होना इत्यादि। चर्चा के दौरान कुछ छात्रों ने अहम भूमिका निभाई। तो सामूहिक चर्चा क्या होती है, आइए उसकी एक परिभाषा बनाते हैं। सामूहिक चर्चा का मतलब है समूह में बैठकर किसी निश्चित विषय पर चर्चा करना, ताकि विचारों के आदान प्रदान से सब लोग कुछ सीख सकें। चलिए मैं दोहराता हूं, सामूहिक चर्चा का मतलब है समूह में बैठकर किसी निश्चित विषय पर चर्चा करना, ताकि विचारों के आदान प्रदान से सब लोग कुछ सीख सकें। चलिए सामूहिक चर्चा के बारे में और जानने के लिए एक कार्यकलाप करते हैं। स्क्रीन पर एक तालिका दिखाई जाएगी जिसमें कुछ कथन दिखाए जाएंगे। आपने जो दो सामूहिक कार्यकलाप देखे थे उसके आधार पर आपको हर कथन के लिए हां या ना में जवाब देना है, ठीक है? क्रम, संख्या, कथन, सही गलत। एक, सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वे समूह के सामने अपने विचार बताएं। दो, समूह के हर एक सदस्य को विस्तार से अपने विचार बताने चाहिए। तीन, किसी भी तरह का पक्षपात किए बिना सबको एक दूसरे की बात ध्यान से सुननी चाहिए। चार, अगर आपको किसी के विचार पसंद ना आए तो दूसरों को यह बात शिष्टता से बतानी चाहिए। पांच, अगर आप किसी बात से असहमत हो तो अपनी बात स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए और अपनी बात को साबित करने के लिए प्रमाण भी देने चाहिए। क्रम, संख्या, कथन, सही गलत। छह, सब लोग एक साथ बात कर सकते हैं। सात, नए विचार और अलग तरह के दृष्टिकोण सामने आने चाहिए। आठ, अगर चर्चा बीच बीच में विषय या मुद्दे से भटक जाए तो कोई बात नहीं। नौ, हमें सबके सामने अपने विचार जोर से बताने चाहिए। अपने प्रयास के लिए धन्यवाद। क्या अब हम उत्तर जांच लें? कथन, जवाब, कारण। एक, सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वे समूह के सामने अपने विचार बताएं। हां, नहीं तो सामूहिक चर्चा कुछ ही लोगों के बीच हो रहे वार्तालाप जैसे लगेगी। दो,
समूह के हर एक सदस्य को विस्तार से अपने विचार बताने चाहिए, नहीं हर एक सदस्य को संक्षिप्त में और स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए, नहीं तो दूसरों को बात करने का मौका नहीं मिलेगा। 3, किसी भी तरह का पक्षपात किए बिना सबको एक दूसरे की बात ध्यान से सुननी चाहिए, हाँ नहीं तो बोलने वाले को अपने विचार बताने में रुचि नहीं रहेगी। 4, अगर आपको किसी के विचार पसंद ना आए तो दूसरों को यह बात शिष्टता से बतानी चाहिए, हाँ नहीं तो लोगों के बीच मनमुटाव हो सकता है। 5, अगर आप किसी बात से असहमत हो तो अपनी बात स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए और अपनी बात को साबित करने के लिए प्रमाण भी देने चाहिए, हाँ नहीं तो दूसरे लोग आपके दृष्टिकोण को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। 6, सब लोग एक साथ बात कर सकते हैं, नहीं सबको बारी बारी से बात करनी चाहिए, नहीं तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। 7, नए विचार और अलग तरह के दृष्टिकोण सामने आने चाहिए, हाँ नहीं तो सामूहिक चर्चा आम वार्तालाप की तरह हो जाएगी। 8, अगर चर्चा बीच बीच में विषय या मुद्दे से भटक जाए तो कोई बात नहीं, नहीं सामूहिक चर्चा को भटकने नहीं देना चाहिए, नहीं तो चर्चा का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। 9, हमें सबके सामने अपने विचार जोर से बताने चाहिए, नहीं ऐसा करने से दूसरों को गुस्सा आ सकता है, जोर से नहीं बल्कि विश्वास के साथ बात करनी चाहिए। अब एक और कार्यकलाप करेंगे। अभी हमने देखा कि सामूहिक चर्चा में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। क्या अब हम एक सामूहिक चर्चा करें? इस टीवी पर आने वाले विज्ञापनों के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जिन छात्रों को पहले मौका नहीं मिला था, अब उन्हें मौका दिया जाएगा। इस चर्चा में 5 छात्र भाग लेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। सामूहिक चर्चा के दौरान सबका अधिकार और जिम्मेदारी होती है कि वे अपने विचार व्यक्त करें। बिना भेदभाव और पक्षपात के सबकी बात सुननी चाहिए। अगर आप किसी बात से असहमत हो तो शिष्टता से अपनी असहमति जाहिर करनी चाहिए। सामूहिक चर्चा में एक दूसरे के विचारों को समझना भी जरूरी होता है। अगर चर्चा के दौरान बहुत शोर हो रहा हो तो इसका मतलब है कि व्यवस्थित वार्तालाप की जगह स्थिति अस्त व्यस्त हो रही है। चर्चा में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, इसीलिए जाने अनजाने में लोगों की भावनाओं का भी आदान प्रदान होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता से किसी के विचारों पर असहमति जताए तो दूसरे को गुस्सा आ सकता है। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, पर सब लोगों को अपनी भावनाओं पर काबू रखने की कोशिश करनी चाहिए। असरदार सामूहिक चर्चा में नए नए विचार और दृष्टिकोण सामने आते हैं। जब नए विचार सामने आते हैं तो लोग उन विचारों को सुनकर स्वीकार करना चाहते हैं। इससे सामूहिक चर्चा सही दिशा में आगे बढ़ती है। सामूहिक चर्चा को सार्थक बनाने के लिए सभी सदस्यों को उचित समय पर नए विचार सामने रखने चाहिए। लोग उन विचारों को ठीक से समझकर स्वीकार कर पाए उसके लिए विचारों को प्रमाणित करना जरूरी है। अपने विचार संक्षिप्त में और स्पष्ट रूप से बताने चाहिए। क्या हम सत्र का सार संक्षेप कर लें?
सामूहिक चर्चा का मतलब है समूह में बैठकर किसी निश्चित विषय पर चर्चा करना, ताकि विचारों के आदान प्रदान से सब लोग कुछ सीख सकें। सामूहिक चर्चा के दौरान सभी लोगों को चर्चा में भाग लेना चाहिए, संक्षिप्त में स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए, बिना पक्षपात के ध्यान देकर चर्चा सुननी चाहिए, विषय से भटकना नहीं चाहिए, एक समय पर एक ही व्यक्ति को बात करनी चाहिए, किसी बात पर असहमत होते वक्त या विवाद करते वक्त प्रमाण देने चाहिए, अपने विचार उचित समय पर बताने चाहिए, नए नए विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। इन सब बातों को ठीक से समझकर याद रखने के लिए क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें? प्रश्न एक, आपके शिक्षक ने आप सबको किसी विषय पर सामूहिक चर्चा करने को कहा है। सब लोग एक साथ बात करने लगते हैं, आप क्या करेंगे? जवाब एक, मैं चिल्लाऊंगा या चिल्लाऊंगी। सब लोग खामोश हो जाओ और अपने विचार बताने लगूंगा या लगूंगी। दो, मैं इशारे से सब लोगों को शांति बनाए रखने को कहूंगा कहूंगी और उनसे निवेदन करूंगा करूंगी कि वे बारी बारी से बात करें। तीन, मैं सब लोगों के चुप होने का इंतजार करूंगा करूंगी। प्रश्न दो, सामूहिक चर्चा के दौरान कोई व्यक्ति बहुत ही जोर देकर आपके विचारों से असहमत होता है, आप क्या करेंगे? जवाब एक, मैं दूसरी तरफ देखने लगूंगा लगूंगी और सोचूंगा सोचूंगी, हे भगवान, ये फिर से शुरू हो गया। दो, मैं उसकी बातें ध्यान से सुनूंगा सुनूंगी, ताकि मैं उसकी हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। तीन, मैं ध्यान देकर उसकी बातें सुनूंगा सुनूंगी, उसके द्वारा बताए गए उचित तर्कों को मैं स्वीकार करूंगी करूंगा और अनुचित बातों का सही ढंग से जवाब दूंगी दूंगा। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह गृह कार्य पूरा करके लाएंगे? चलिए, तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या आप उचित जवाब जानने के लिए तैयार हैं? प्रश्न एक, आपके शिक्षक ने आप सबको किसी विषय पर सामूहिक चर्चा करने को कहा है। सब लोग एक साथ बात करने लगते हैं, आप क्या करेंगे? यह जवाब, मैं चिल्लाऊंगा या चिल्लाऊंगी। सब लोग खामोश हो जाओ और अपने विचार बताने लगूंगा या लगूंगी, अनुचित है, क्योंकि सामूहिक चर्चा में एक समय पर एक ही व्यक्ति को बात करनी चाहिए। यह जवाब,
मैं सब लोगों के चुप होने का इंतजार करूंगी भी अनुचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि चर्चा में जो अस्त व्यस्तता है उससे खत्म करने के लिए आप कुछ नहीं करना चाहते। यह जवाब मैं इशारे से सब लोगों को शांति बनाए रखने को कहूंगी और उनसे निवेदन करूंगी कि वे बारी बारी से बात करें, उचित है। इसमें यह कोशिश की जा रही है कि चर्चा व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े और सब लोगों को बोलने का मौका मिले। आपने कौन सा जवाब चुना है? प्रश्न दो, सामूहिक चर्चा के दौरान कोई व्यक्ति बहुत ही जोर देकर आपके विचारों से असहमत होता है, आप क्या करेंगे? ये दोनों जवाब मैं दूसरी तरफ देखने लगूंगी और सोचूंगी हे भगवान, ये फिर से शुरू हो गया, और मैं उसकी बातें ध्यान से सुनूंगी ताकि मैं उसकी हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब दे सकूं, अनुचित है। इनसे पता चलता है कि आप दूसरों के विचारों को सुनना नहीं चाहते और उन्हें चुप कराने के लिए आक्रामक तरीके अपना रहे हैं। इस तरह के व्यवहार से सामूहिक चर्चा पर गलत असर पड़ता है। यह जवाब मैं ध्यान देकर उसकी बातें सुनूंगी, उसके द्वारा बताए गए उचित तर्कों को मैं स्वीकार करूंगा और अनुचित बातों का सही ढंग से जवाब दूंगी, उचित है। यह दर्शाता है कि आप बिना पक्षपात के दूसरों की बातें सुनते हैं और चर्चा को अर्थपूर्ण बनाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहते हैं। आपने कौन सा जवाब चुना है? जिन छात्रों के सारे जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। बाकी के छात्र सत्र की मुख्य बातों पर फिर से नजर डाल सकते हैं ताकि वे सारी बातें ठीक से समझ सके। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?